शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। रखते तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा सो है त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके
सुखकारी दुख हारी, सुखकारी दुख हारी, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के माधे, ये तीनों वेका। ओम जय शिव ओंकारा। शिवानंद स्वामी कहत, शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा तो हत नीके, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, नंदी गणेश तो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेश महमार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तुम गाई, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला,
कीन्ही तया तह करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण तीन्हा, सहत कमल में हो रहे धारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी अति मुनि ध्यान लगावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे तो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा जोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठ प्रात ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मग सिर छठी है मंत्र तू, सम्मत 64 जान, स्तुति चालीसा सी वही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर भोले नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय।
घुष्मीश्वरा शिव घुष्मीश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय घुष्मीश्वरा शिव घुष्मीश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम सावन शिवरात्रि की भक्तों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं हम कथा सुनाते हैं क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है प्रिय भक्तजनों आज हम आपको श्रावण मास की शिवरात्रि कथा सुनाएंगे और इस कथा के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करेंगे कि भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई प्रिय भक्तों भगवान भोलेनाथ को गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र व दूध चढ़ाने का भी प्रचलन है इसकी पौराणिक कथा भी हम आपको सुनाएंगे प्रिय भक्तों भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मात्र लोटा भर गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपार कृपा करते हैं तो आइए भक्तों सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की ये परम कल्याणकारी एवं पावन कथा कहते हैं जब जब लगता है भक्तों सावन मास भोलेनाथ और माँ गौरा धरती पर करे निवास भोलेनाथ को प्रिय होता है ये महीना सावन सृष्टि का भी भोलेनाथ ही करते हैं संचालन क्योंकि योग निद्रा में होते इस समय विष्णु जी पालन करता बन कर रहते फिर तो भोले जी भोलेनाथ जब रक्षक हो तो है किस बात कटे अर्पण कर दो बस एक गंगा जल का लोटा भर तभी तो सावन में कांवड़िए कांवड़ लाते हैं
पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि देव शयनी एकादशी के दिन विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और इस सृष्टि का संचालन भोलेनाथ करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए तो कहते हैं कि मात्र लोटा भर गंगा जल अर्पित करने से ही भक्तों पर अपार कृपा दृष्टि रखते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने की प्रथा सदियों पुरानी है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा जब स्वर्ग में आए हैं, पारिजात पुष्पों की माला साथ मिलाए हैं और इंद्र से कहने लगे मेरी ओर से है उपहार। इंद्र देव को ना जाने क्यों हो गया है अहंकार। पारिजात पुष्पों की माला को तो ले लिया है किंतु ऐरावत के गले में उसे डाल दिया है। ऐरावत ने माला को लिया सूंड़ में अपने लपेट और ऋषि दुर्वासा के सामने उसे दिया है फेंक। ऋषि दुर्वासा इतना देख क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, ऋषि दुर्वासा ने जब अपने उपहार की ऐसी दुर्दशा देखी तो उन्हें इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगे, हे इंद्रदेव, तुम्हें अपने स्वर्ग सिंहासन पर अत्यधिक गर्व हो गया। मेरा श्राप है कि तुम्हारा स्वर्ग ऐश्वर्यहीन हो जाएगा और तुम्हारा स्वर्ग सिंहासन भी छिन जाएगा। साप ऋषि दुर्वासा का तो सच ही हो गया है। राजा बलि ने इंद्रदेव से स्वर्ग छीन लिया है। इंद्रदेव सब देव सहित फिर विष्णु शरण में आए और बोले के स्वर्ग हमारा वापस हमें दिलाए। ऋषि श्राप के कारण स्वर्ग भी हो गया है सिंहहीन। दैत्य हुए बलशाली हमारी शक्ति हो गई छीन। विष्णु जी उनसे बोले के ये है भूल तुम्हारी। ऋषि दुर्वासा तो है स्वयं शिव शंकर के अवतारी। फिर भी स्वर्ग पाने का उपाय तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बताया कि हे देवराज, ये सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मिलकर सागर मंथन करवाना होगा और सागर मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएंगी और दैत्यों को परास्त करके स्वर्ग फिर से प्राप्त कर सकोगे। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने सागर मंथन के लिए
दैत्यों को मना लिया और सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार लिया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। सागर मंथन के समय देवों ने वासुकी को पूंछ की ओर से एवं दैत्यों ने मुख की ओर से पकड़ा था, तब सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन जब दैत्यों और देवों ने किया है, कालकूट नामक विष सबसे पहले निकला है। कालकूट विष का प्रभाव तो ऐसा घातक है, जिससे सारी सृष्टि पर ही आया संकट है। तीन लोक जिसकी गर्मी से लगे झुलसने हैं, छोड़ के सागर मंथन को सब लगे भागने हैं। इंद्रदेव भी सोच रहे अब जाने होगा क्या, स्वर्ग प्राप्त ना हो जो सागर मंथन नहीं हुआ। विष्णु जी की शरण में फिर से वो चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, सर्वप्रथम सागर मंथन से कालकूट नामक विष निकला, जो इतना घातक था कि इसकी गर्मी ना देवताओं से सहन हो रही थी ना ही दैत्यों से। सभी सागर मंथन को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। अब देवराज इंद्र ने सोचा, यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो ना ही हमें अमृत प्राप्त होगा, ना ही हमें स्वर्ग सिंहासन मिलेगा। तो देवराज इंद्र एक बार फिर से विष्णु जी की शरण में आए। विष्णु जी कहने लगे, हे देवराज, कालकूट विष का कोई उपाय मेरे पास भी नहीं, अतः हमें देवों के देव महादेव की शरण में जाना होगा। भोलेनाथ की शरण में फिर तो सभी देवता आए, कहने लगे भोले संकट से हमको आप बचाए। कालकूट विष से संकट में सारी सृष्टि है, जिसको धारण करने की बस आप में शक्ति है। भोलेनाथ से सब देवों ने करी जो करुण पुकार, कालकूट विष लेकर इन्होंने लिया है कंठ उतार। माँ गौरा की शक्ति ने जिस कंठ में रोक दिया, भोलेनाथ का लेकिन इससे नीला कंठ हुआ। नीलकंठ महादेव तभी तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, कालकूट विष को भोलेनाथ ने धारण कर लिया और माता गौरा ने उसे अपनी शक्ति से कंठ में ही रोक दिया। किंतु कालकूट विष इतना घातक था कि भोलेनाथ का कंठ ही नीला पड़ गया और भोलेनाथ बड़े ही व्याकुल हो उठे। सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए और उन्होंने कालकूट विष की अग्नि को शांत करने के लिए गंगा जी का शीतल जल भगवान भोलेनाथ के शीश पर डाला। प्रिय भक्तों, ये सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन था, इसी कारण भोलेनाथ को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। जल से शांत पर कालकूट कहाँ होने वाला था,
व्याकुल भोलेनाथ को उसने फिर भी कर डाला था। विष्णु जी ने सागर से फिर क्षीर मंगाया है, शीतल क्षीर वो भोलेनाथ को स्वयं पिलाया है। क्षीर के कारण विष की ज्वाला कुछ है शांत हुई, फिर इसके पश्चात तो भोले व्याकुल हुए नहीं। प्रथाय दूध चढ़ाने की भी शुरू हुई तब से, महादेव इन्हें कहते हैं ये सहनशील है सबसे। जल और दूध चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, इस कथा में हमने यहाँ तक बताने का प्रयास किया कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल या दूध चढ़ाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ बेल पत्र चढ़ाने से भी भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं इसकी भी पौराणिक और कल्याणकारी कथा। चित्रभानु नामक एक भक्तों बिल शिकारी था, एक दिन करने शिकार रात को वन में चला गया। बेलपत्र के एक वृक्ष पर वो तो चढ़ गया है, देखा नहीं उसके नीचे शिवलिंग भी बना हुआ है। बहुत देर तक नजर उसे न शिकार कोई आया, बेचैनी में बेलपत्रों को नीचे उसने गिराया। और संयोग से उस दिन भी सावन शिवरात्रि थी, अनजाने में भोलेनाथ की उसने पूजा की। दर्शन देने भोलेनाथ उसे स्वयं आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। क्यों कथाएं शुरू हुई है भक्तों सुनो कथा यही है। प्रिय भक्त जनों, चित्र भानु नामक शिकारी से भोलेनाथ मात्र इतने में ही प्रसन्न हो गए कि उसने शिवरात्रि के प्रहर में अनजाने में ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे। प्रिय भक्तों, जब एक शिकारी से जो कि पशुओं को मार मार कर खाता था, भोलेनाथ अनजाने में चढ़ाए बेलपत्रों के कारण प्रसन्न हो सकते हैं, तो श्रद्धा भाव से बेलपत्र अर्पित करने वाले पर कैसे कृपा करेंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। बेलपत्र चढ़ाने का एक और पौराणिक कारण है, बेलपत्र अपने त्रिकोणीय आकार के साथ भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव को जल के साथ या दूध के साथ बेलपत्र अर्पित करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अनजाने में एक भील ने बेलपत्र किए अर्पण, भोलेनाथ ने खुश होकर उसको भी दे दिए दर्शन। श्रद्धा भाव से सोचो अगर तुम इन्हें चढ़ाओगे, मन वांछित वरदान क्यों ना भोले से पाओगे। जो सावन में कांवड़ लेकर गंगा जल करे अर्पण, सफल हो समझो भक्तों फिर तो मानो का जीवन। डीएस पाल ने महत्व कांवड़ का तो बतलाया है, श्रद्धा भाव से शिवरात्रि की कथा को गाया है।
फौजी सुरेश पे भोलेनाथ कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल ही क्यों भक्त चढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों प्रथाएं शुरू हुई है, भक्तों सुनो कथा यही है। तन पे राख लपेटे हैं, रहते हैं शमशान, असुरों को भी पल भर में दे देते वरदान। माथे पे चंदा है बसे, केशों में गंगधार, काले काले नाग गले भक्तो रहे फुफकार। बिच्छू के कुंडल सजे और गले मुंडमाल, तन पे शंकर ओढ़ रहे भक्तों है मृगचाल। अर्ध खुले से नेत्र हैं, ओंठों पे मुस्कान, कंठ में विषय समाये रहे नील कंठ भगवान। नमः शिवाय का सब करते हैं जा, एक माला को फेरिए कट जाए संता। सागर मंथन के समय विष जब बाहर आए, देव दानव जाप रहे ओम नमः शिवाय। शंकर जी ने कर लिया विश्व का भक्तों पान, इस सृष्टि का कर दिया भोले ने कल्याण। ब्रह्मा जी ने जब जपा ओम नमः शिवाय, शिव मंत्र की कृपा से सृष्टि को रचा। जोड़ कर विष्णु ने शिव का किया गुणगान, सृष्टि पालन हार बने श्री विष्णु भगवान। शिव की कृपा से मिले चक्र सुदर्शन हार, गदा पद्म और शंख दिए शंकर भोले ना। दोनों हाथ उठाए के इंद्र करे गुणगान, ऐरावत का पालिए भोले से वरदान। आओ भक्तों अब सुनो गाथाएं ये महान, कैसे कैसे असुरों को दे दिया था वरदान। शिव के लिए किया लंका निर्माण, देखी स्वयं जो लंका तो हो गया वो हैरान। शिव जी भी प्रसन्न हुए कहा मांगो वरदान, लंका को ही मांग लिया गौरा थी हैरान। कहा ततास्तु भोले ने लंका का दान, रावण ने जय शंकर का भक्तों किया गुणगान। भस्मासुर की गाथा तो भक्तों में बतलाऊं, शिव प्राण हुए संकट में भक्तों कथा सुना। शिव बोले भगवान करते
असुर ने तप किया शिव जी का घन घोर, धरती अंबर हिल गए तप का ऐसा शोर। उसकी तपस्या देख के वर शिव देने आए, भस्मासुर है जप रहा ओम नमः शिवाय। कहा शिव भोले शंकर ने मांगो कुछ वरदान, अजर अमर हो जाऊं मैं करता असुर आह्वान। सृष्टि का ये नियम है जो आए सो जाए, पर ये नहीं मैं दे सकता शिव जी ये बदला। शिव बोले भगवान करते हैं कल्याण, शिव बोले भगवान करते हैं कल्याण। सोचा असुर ने बात को जोड़ के बोला, भस्म वो पल में हो जाए जिसके सिर धरुहा। कहा तथास्तु भोले ने लगे लौटने ना, शिव जी के ही सिर रखने चला वो राक्षस हा। देखा भोले शंकर ने मन ही मन घबराए, आए वैकुंठ लोक में विष्णु शरण में धाय। शिव के प्राण बचाने को हरि सोचे थे उपाय, भस्मासुर को मारने को मोहिनी रूप बनाए। रूप बनाई के असुर के सन्मुख आए, देखा सुंदर रूप तो सुध बुध को बिसराए। बोला मेरे संग में सुंदरी कर लो विवाह, पहले मेरी शर्त सुनो पूरा करके दिखा। जैसे जैसे मैं नाचूं नाच के तू दिखला, किया जो ऐसा काज तो करूंगी तो से ब्याह। जैसे मोहिनी नाचती असुर नाचता जाए, नाचत नाचत मोहिनी शीश पे हाथ धरा। जैसे ही सिर हाथ धरा असुर हो गया रा, इसी तरह बच गए भक्तों शिव भोले के प्राण। मोहिनी के अवतार ने शिव के प्राण बचाए, साचे मन से फिर कहा ओम नमः शिवाय। एक असुर और भारी था जालंधर था नाम, शिव के नाम को गा रहा वो भी सुबह शाम। शिव ने उसे भी दे दिया था भक्तों वरदान, शिव के पुत्र के हाथों ही जाए उसके प्राण। शंकर ने धारा था ब्रह्मचर्य आह्वान,
इसीलिए तो पापी ने मांगा था वरदान। पार्वती ने शंकर का तप किया घनघोर, पति रूप में शंकर को पाया फिर विभोर। दोनों का एक पुत्र हुआ कार्तिक जिसका नाम, जालंधर का फिर किया उसी ने काम तमाम। चंदन तिलक ने आपको शिव की कथा सुनाई, भक्तों पर यूं ही रहना हे भोले तू सहाय। काशी के वासी भीमा शंकर कहीं रा
पशुपतिनाथ कहीं नागेश्वर नटराज तुम्हें हो पति तुम जी
शंकर संग में रहते भूत भयंकर तेरे शीश नवाते नाचे